हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन लाइफ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कड़ी पत्ता के प्लांट के बारे में। देखिए कितना शाइनिंग कर रहा है इसका पत्तियाँ। इसका आजकल तो इंडियन खाना में इसका बहुत ही उपयोग हो रहा है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी यह बहुत ही लाभदायी होता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं। अगर डायबिटीज़ पेशेंट इसके छोटी छोटी पत्तियों को 10-15 पत्ती रोज़ चबा चबा कर खाने से डायबिटीज़ बहुत ही कंट्रोल में रहता है। मिट्टी की बात करें तो इसे वेल्डन मिट्टी चाहिए। ये फुल सन में रहने वाला प्लांट है। मेरा तो प्लांट पूरा फुल सन में रहता है, फिर भी इसकी पत्तियों की देखिए कितने हरियाली है, और सब में देखिए कितना डीप कलर, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो बीच बीच में इसे फर्टिलाइज़र देते रहिएगा। मैं इसे एक साल पहले छोटी सी कटिंग लाई थी, इसे मैं देखिए 15 लीटर के ऑयल के कंटेनर में लगाई हूँ। कंटेनर को मैं कलर कर दी और छोटी सी प्लांट इसमें लगाई हूँ। आज एक साल के बाद देखिए ये कितना बूसी हो गया है। मैं बीच बीच में इसकी पिंचिंग करते रहती हूँ। देखिए कुछ दिन पहले ही मैं फिर से इसकी पिंचिंग की थी। कुछ दिन पहले मैं डोसा बनाई थी तो ऊपर की टिप की कटिंग मैं कर दी। अब देखिए चारों तरफ से इसके कितने नए नए शूट्स निकले हुए हैं, जिससे कि यह और भी बूसी हो जाएगा। देखिए छोटा सा ही प्लांट है, लेकिन चारों तरफ से कितना बूसी है। इसमें आप हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग खाने के लिए होता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस कटिंग से लगाना इसे बहुत आसान है। पेंसिल जितना कटिंग लीजिएगा, उसके बाद अभी रेनी सीजन आ ही रहा है। रेनी सीजन से में यह आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, या इसे बीज से भी आप ग्रो कर सकते हैं। या फिर देखिए अपने आप जड़ों के किनारे छोटे छोटे से प्लांट निकल आए हैं। आप चाहे तो इसे निकाल कर दूसरे प्लांटर में लगा दीजिए तो यह और दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। मैं रेनी सीजन में इसे दूसरे प्लांटर में लगा दूंगी तो फिर यह दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। दूर से मैं दिखाती हूँ, देखिए यह कितना बूसी है। यह मेरा पूरा फुल सन में रखा हुआ है, फिर भी इसमें शाइनिंग इसी तरह बना हुआ है। थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।